मिश्री जी एक मिनट रुकिए रुकिए उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में बीजेपी से पंगा लेना मुकेश सहनी के लिए बहुत भारी पड़ गया है। दरअसल बिहार सरकार के पशुपालन मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी को सबसे बड़ा झटका लगा है। वीआईपी के सभी तीन विधायक विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर बीजेपी में शामिल होने की जानकारी दी। आपको बता दें कि वीआईपी के पास निर्वाचित प्रतिनिधियों के तौर पर केवल यही तीन विधायक और एक विधान पार्षद मुकेश सहनी खुद हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि बतौर विधान पार्षद सहनी का कार्यकाल कुछ ही हफ्तों में पूरा होने वाला है। इसके बाद वीआईपी का कोई भी विधायक या विधान पार्षद बिहार में नहीं बच जाएगा। बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी की पार्टी के तीनों विधायक राजू सिंह, मिश्री लाल और सवर्णा सिंह भाजपा में शामिल हुए। वे अपने विधायक दल के भाजपा में विलय के लिए विधानसभा अध्यक्ष से मिले थे। मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद थे। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने वीआईपी के तीनों विधायकों के भाजपा में विलय को मान्यता दे दी है। हालांकि इस मसले पर सहनी ने अनभिज्ञता जताई है। उन्होंने कहा कि मुझे विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की अब तक जानकारी नहीं है। वीआईपी के तीन विधायकों के भाजपा में विलय के साथ ही मुकेश सहनी की पार्टी का बिहार विधानसभा में अस्तित्व खत्म हो गया है। अब वीआईपी का प्रतिनिधित्व तो केवल बिहार विधान परिषद में ही शेष रह गया है। यह भी बस कुछ हफ्तों की बात है। एक दिन पहले ही मुकेश सहनी ने फेसबुक लाइव करते हुए कहा था कि आज हमारे सहयोगी की ओर से राजनीति नहीं कूटनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि आज सहयोगी ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि जैसे जैसे हम लोगों की ताकत बढ़ेगी उससे अधिक सीटों पर समझौता करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ताजा हालात बता रहे हैं कि मुझे एनडीए से निकाल दिया गया है। सरकार में मंत्री होने के नाते मैं अभी सब कुछ नहीं बोल सकता, मेरा संकेत समझने की कोशिश कीजिए। इस बीच सारण के पूर्व एमएलसी सच्चिदानंद राय को बीजेपी ने एक और झटका दे दिया है। बागी तेवर अपनाने पर उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। एमएलसी चुनाव में सारण से उन्हें टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने बागी तेवर दिखाए थे, साथ ही वह बीजेपी के उम्मीदवार के समक्ष खड़े हो गए थे। इसके बाद पार्टी ने उन्हें नामांकन वापस लेने के लिए अपील की थी। इसके बावजूद उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ने का निर्णय लिया है। इसके बाद पार्टी ने उन पर कार्रवाई कर दी। उनके साथ ही पार्टी ने छेदी पासवान के बेटे रविशंकर पासवान को भी 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है।